नमस्कार दोस्तों, इनकी एज 37 और 4 महीना है, यानी 37 एंड 4th मंथ है। ये गल्फ में ड्राइवरी का काम कर रहे हैं। ये काफ़ी हताश हो चुके हैं जीवन में, और उसका कारण भी है, ये जायज़ भी है। ये बहुत सारी छोटी छोटी फिश टैंक के मालिक भी है, यानी मालिक मीन्स सन माउंट पर छोटी छोटी बहुत जगह पर फिश टैंक है, फिर भी ऐसी जीवन में कंडीशन क्यों। इन्होंने जो लिखा है, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो हूँ, गल्फ में जॉब करता हूँ और वो भी ड्राइवरी का, 10 साल हो गए ये गल्फ में ड्राइवरी का जॉब कर रहे, उसी से घर चलता है। क्या मैं कभी खुद का घर बना पाऊँगा? 100% बना पाओगे, थोड़े साल इंतज़ार कीजिए, आपका दुख दूर होते हुए दिख रहा है आपके हाथ में। उसके बाद आप याद करोगे कि अच्छी खासी आपको विकास मिलता जाएगा जीवन में, अच्छी खासी प्रोग्रेस मिलेगी आपको। थोड़े साल और तकलीफ है, उसे आप बेयर कीजिए, उसके बाद आप अच्छा पैसा भी कमाओगे और एक घर नहीं, हो सकता आपके 2-4 घर भी बने। यहाँ तक की स्थिति आपके हाथ में है। हाँ, पर मैं वर्तमान में 2-4 साल तो आपको कष्ट उठाना है, उसके बाद आपका जीवन काफ़ी धीरे 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 उत्तम बनते जाएगा, और उसका कारण भी बताऊंगा मैं आपको। यहाँ तक ये सोच रहे कि मैं बच्चों को अपने खुद के घर में रहने दे पाऊंगा कि नहीं, यानी मेरे जीने तक। बहुत जल्द में आप अपने, बहुत थोड़े सालों में ही आप अपना खुद का घर खरीदने वाले हो, वो आपके हाथ में क्लियर कट शो भी हो रहा है, और आपका जीवन भी उत्तम बनेगा, पैसा भी बचेगा, सब कुछ होने वाला है। तो निराशा आप निकाल दीजिए। हाँ, थोड़े साल अभी भी संघर्ष जरूर है, वो आपको लाइनों के द्वारा मैं समझाऊंगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर धनुषाकार शेप बनता हो या सीधी लाइन बनती हो, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है, जीवन में अपॉर्चुनिटी आती है, उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम स्क्वेरिश भी और रेक्टेंगल भी है, अच्छे सेल्स पर्सन भी हो सकते हैं, सेल्स और मार्केटिंग के पर्सन भी हो सकते हैं, प्लस मेहनती भी होते हैं इस तरह के। इनका अंगूठा देखिए, ये कोई अच्छे खासे पैसे वाले ये बनने वाले हैं। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले, पर फिर भी इन्होंने सोचा नहीं होगा उतना अच्छा पैसा इनके जीवन में आने वाला है। अभी तो ये कंप्लीट निराश है, पर इनकी निराशा थोड़े सालों में ऐसी दूर होने वाली है, और एक बहुत अच्छे व्यवस्थित खुद के फोर व्हीलर में घूमने वाले इंसान बनेंगे। इतनी अच्छी लाइन बन रही इनके आगे। फर्स्ट फैलेंज भी देखिए, व्यक्ति का समय खराब होता है तो उसे कोई भी कार्य करना पड़ता है, पर इनका भी वक्त आने वाला है। अंगूठा देखिए कितना स्ट्रांग है, फर्स्ट फैलेंज एकदम नुकीला है, तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होगी। सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे, और अंगूठा मजबूत है, बड़ा है, तो व्यक्तित्व भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों के हाथों में या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों के हाथों में ऐसा होता है अंगूठा, पर आपके पास इतनी भी बड़ी भी फिश साइन नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मत सोच लेना, पर अभी जो है उससे तो कई गुना आप पैसे वाले बनोगे। आप अभी तो आप जीरो हो, आगे काफ़ी अच्छा पैसा कमाओगे आप। उंगली छोटी है तो फास्ट निर्णय लेने वाले हो, और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। हाँ, ये जो फैलेंज है ये थोड़े से नुकीले, थोड़े से ज़्यादा है, तो इम्पल्सिव पर्सनालिटी होती है, यानी धीरज नहीं होती इनमें। उंगली, सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव शो करती है, समय कैसा भी चलता हो जीवन का आनंद लेते ये लोग, और जिम में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग लेते हैं। ये उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच गई है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब देखिए इनके हाथों की बनावट भी ऐसी है कि ये सफलता पाएंगे पाएंगे और पाएंगे। पहले तो ये अंगूठा ये व्यक्ति को सफलता दिलाता ही है, ये उंगली भी अगर बड़ी है तो ये भी सफलता की घोतक है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, पर वर्तमान में इनको धन रेखा का कुछ भी साथ नहीं है, इसके लिए ये परिस्थिति से ये गुजर रहे।
पर लकी साइन है, अगर ऐसी धन रेखा आम इंसान को हो तो ये जो अभी कमा रहे, मुझे इनकी इनकम भी पता है, ये जो अभी कमा रहे वो भी नहीं कमा पाते, इतनी हालत खराब होती थी। पर जब आपके हाथ में फिश साइन होती है तो भले कम आए पैसा, जितनी जरूरत होती है उतना पैसा आ जाता है, कोई काम अटकता नहीं पैसे के लिए। अब इनके इंक लगे हुए पाम की ओर चलते हैं। बुध पर्वत पर ये ट्रायंगल दिख रहा है, अगर ये कंप्लीट होगा तो व्यक्ति इनोवेटिव माइंड का होता है, नई नई चीजें करने का, कोई भी डिफरेंट टाइप से सोचता है, तो ये भी एक खासियत है। अब ये जो लाइन है इसका मुझे कोई जानकारी नहीं है, हाँ इसको ऐसे गिन सकते हैं, बुध का सूर्य से मिलन, तो कोई ना कोई अच्छा योग एस्ट्रोलॉजी में माना जाता होगा, पर मुझे परफेक्ट जानकारी नहीं है कि इसका परफेक्ट फल क्या होता है, पर कहीं ना कहीं ये सूबी है, ये कोई माइनस पॉइंट नहीं है। और यहां पर देखिए एपेक्स साइन भी है, तो ऐसे लव बिजनेस माइंडेड भी होते, और ये स्क्वायर साइन ये व्यक्ति को रक्षा का काम करती है, कहीं पर भी अटक गए तो कोई ना कोई बचाने वाला व्यक्ति को मिल ही जाता है। और बुध पर्वत भी व्यवस्थित और खड़ी लाइन भी है, व्यक्ति को बिजनेस सेंस होती है, वाणी अच्छी होती है, मीठी होती है, व्यक्ति को सुंदरता भी मिलती है, हाँ बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं होंगे पर फिर भी मध्यम टाइप के सुंदर तो होंगे ही है। यहाँ पर यश वाली साइन भी है, तो इनको जीवन में यश भी प्राप्त होगा। अब ये स्क्वायर साइन है मुझे यहाँ पर शो हो रही है, कभी ना कभी जीवन में मल्टी सिटी का काम भी इनके जीवन में होगा, बहुत बड़ा फैला हुआ तो नहीं पर मल्टी सिटी का काम जरूर होगा। एक फिश साइन तो इनकी यहाँ ही दिख रही है इसी फोटोग्राफ में, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, ये देखिए यहाँ पर ही, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, कितनी क्लियर साइन है। और ऐसी एक नहीं है, मैं उस पर भी लेकर चलता हूँ आप लोगों को। है सारी छोटी छोटी, ये देखिए यहाँ पर ही एक यहाँ पर है, एक ये रही, दो, एक इस जगह पर भी है, तीन, और एक इसके ऊपर भी है, चार। और ये तो क्लियर कट काफी अच्छी साइन है जो पहले ही दिख गई। और एक यहां पर भी है। अब कितनी छोटी छोटी साइन है इनको देखिए आप, दो दो चार चार एमएम की साइन है, पर ये भी प्लस पॉइंट है। अब इनके लेफ्ट पाम में भी है, ये देखिए एक यहां पर, एक दूसरी बार उसके बाजू में ही, दो, और तीसरी यहां पर, चौथी यहां पर, पर इनकी साइज देखिए, दो दो चार चार तीन तीन एमएम की साइन है, पर ये भी खेल करती है जीवन में, यानी जब इनकी धन रेखा सुधरेगी तो अच्छा खासा पैसा कमाएंगे ये जीवन में, तो कोई निराश होने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। यहां पर विद्या रेखा भी बनी है, सॉरी विद्या रेखा भी बनी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। धन रेखा पर देखें
जो राइट में जा रही है, ये चार फल देती है और यहाँ पर एक अच्छा सा फोर्क बन रहा है। ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं, बहुत अच्छी तरह से एक दो वाक्यों में अपनी बातें समझा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इनको जीवन में मिलता है। सेकंड चीज, ये जुपिटर की ओर जब लाइनें जाती है तो चार लाभ देती है, सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, ससुराल पैसे वाला या सारी के बाद ससुराल पैसे वाला होता, और जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करेंगे तो कई लोगों को चारों बेनिफिट मिलते हैं, किसी को तीन, किसी को दो और किसी को एक। अब जुपिटर माउंट पे एक मुझे स्क्वायर साइन नज़र आ रही है और मेरे हिसाब से ये कंप्लीट है, और इनका प्रश्न है घर का। पर जनरली अभी तक मैंने जितने भी लोग देखे जिनको ये स्क्वायर साइन होती है वो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर लेते हैं। तो मैं इनको पूछना चाहूँगा, आप मुझे जवाब देना कि ये इसका फ़ायदा मिला है कि नहीं। छोटी तो छोटी प्रॉपर्टी आती जरूर है, चाहे किसी और से आए या किसी भी तरह जीवन में प्रॉपर्टी आती जरूर है 32 के पहले, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर व्यक्ति पहुँचता है और बोलने के कार्य में व्यक्ति महारत हासिल करता है। ये लाइन कंटिन्यू प्रोग्रेस की लाइन है जो व्यक्ति को नीचे गिरने नहीं देती, और एक समय आएगा आपके पास मल्टीपल इनकम के स्रोत होंगे। और इनका एक सवाल एक और था कि मुझे सेवा करनी है पर अभी फिलहाल तो मेरे पास ही मेवा नहीं है, तो मैं क्या सेवा करूं? आपको सेवा का भी मौका मिलेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के हाथ में फिश साइन होती है वो दयालु होता ही है, वो लोगों का भला करना उसके मन में रहता ही है, और यही लक्षण आपके फिश साइन के कारण ये स्वभाव है आपका। आपने कई जगह देखा होगा भंडारे चलते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में लोग भंडारे चलाते हैं, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, वो सारे लोगों के हाथों में फिश साइने होती है। इसके पहले जो वीडियो बनाया उसमें भी वृद्धाश्रम खोलना था उनको, वो सवाल था उनका। तो ये मल्टीपल इनकम भी देगी आपको, पामेश्री एस्ट्रोलॉजी में ध्यान जाएगा, धार्मिक भी बनोगे और सेवाभावी बनोगे, पर अभी आपका पेट भरा हुआ नहीं है इसके लिए आप नहीं कुछ कर पा रहे हो, पर आगे चलकर पेट अच्छा खासा भरेगा आपका। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी पाई जाती है, बाहरी मंगल उससे भी अच्छा है। जब किसी से मिलोगे एनर्जी के साथ मिलोगे, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब जो विदेश में रहता है उसका ऑलवेज चंद्र पर्वत आपको अच्छा ही मिलेगा। यहाँ पर ऐसी कोई लाइन नहीं है जो इस तरह जाती हो। हाँ, यहाँ एक माइनस पॉइंट जरूर है, ये क्रॉस बन रहा है, ये व्यक्ति को जीवन के प्रति निराशा ऑलवेज देता है। राहु रेखा आती है तो वो टेम्परेरी निराशा होती है, और जब क्रॉस होता है तो ये जीवन भर का निराशा का भाव देता है, डर लगता है जीवन में, आज मैं जहाँ पर हूँ उससे नीचे गिर गया, तो इस तरह की फीलिंग आती है। तो इसका मैं उपाय दे दूंगा, बहुत आसान उपाय है। चंद्र जब अच्छा होता है तो विदेश से संबंध आता है, या जो ऑलरेडी ये 10 सालों से विदेश में, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, प्लस अच्छे परचेसर होते, रिफाइंड सोच होती है, सारा एडवांटेज इनके पास है। यहाँ पर एक अच्छी बुध रेखा भी है, देखिए ये मुझे जीवन भर याद करेंगे, क्योंकि अभी जिस तरह की हताशा में है और आगे जिस तरह से इनका जीवन परिवर्तन होने वाला है, ये याद करेंगे कि किसी व्यक्ति ने मुझे पहले ही जानकारी दे दी थी। ऐसे पाम देखने अच्छे लगते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि कुछ हमें भी यश मिलेगा, लक ये लेकर आए पर यश हमें प्राप्त होगा। मनी ट्रायंगल भी और ग्रेटर ट्रायंगल भी है, तो अच्छी खासी प्रॉपर्टियां निर्माण करेंगे, अच्छे खासा धन जमा करेंगे ये, और ये बुध रेखा इनको कोई ना कोई बड़ा व्यवसायी बनाएगी, या किसी बड़े व्यवसायी के कर्ता धर्ता बनेंगे। काफी बड़ी बुध रेखा है आपके हाथ में। शुक्र पर्वत भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह का शुक्र पर्वत हो तो व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता, अच्छी तरह रहता है, लग्जरी लाइफ होती है, और गर्मी पसंद नहीं आती, गर्मी से ये लोग हेट करते हैं, और कई लोगों को पसीना भी खूब आता है। अब इनकी हृदय रेखा देखे तो पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे लोग भरोसे लायक इंसान होते हैं, किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो देकर आएंगे। और ये देखिए, ये सेवा वाली लाइन है,
व्यक्ति मित्रों को या सगे संबंधियों को पैसा देंगे वो वापस नहीं आएगा, और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में ये लाइन पाई जाती है। माइंड लाइन भी हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइंड लाइन भी देखिए पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। अति महत्वाकांक्षी होते व्यक्ति ऐसे लोग, समय इनको ड्राइवरी जॉब करवा रहा है, नहीं तो ये उस लायक नहीं है। जब जुपिटर से महत्वाकांक्षी शो करते और सीधी लाइन जा रही है तो बुद्धि प्रतिभा भी भरपूर होगी, कोई ना कोई ज्ञान लेते रहते होंगे। और माइंड लाइन काफी शार्प है, काफी अच्छा प्लस पॉइंट है ये। अब इनके जीवन में देखें तो यहां पर मुझे एक कट दिखाई दे रहा है 22 के आसपास। अगर ये काट के गई होगी तो इस पीरियड में कोई ना कोई तकलीफ आई होगी इनके जीवन में, उसके पहले 4 साल पहले भी कोई ना कोई तकलीफ आई होगी। उसके बाद ये लाइन ने इनके जीवन में शादी कराई, ये लाइन ने 26 में एक राहु रेखा ने काटा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आया होगा। 27 में भी राहु रेखा ने काटा, 28 में भी राहु रेखा ने काटा, यहाँ पर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आया होगा। 30 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा है, इस रेखा ने भी, और इस समय ये गल्फ में पहुँच चुके होंगे, इस रेखा ने इनको दर्द दिया होगा, क्योंकि राहु रेखा है गल्फ में बहुत परेशानी देती है, छोटी राहु रेखा भी। उसके बाद एक और राहु रेखा है इनके हाथ में 34 में, इस राहु रेखा ने भी इनको दर्द दिया होगा, और वर्तमान में भी ये छोटी राहु रेखा से गुजर रहे, और उसके पहले कोई ना कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी, ये लगभग 34, 36 या 35 के आसपास, और ये राहु रेखा इनको अभी दर्द दे रही है और मेरे पास पहुंचा है। अब इनका जो घर का सवाल था वो देखिए, ये लगभग 41 में पूरा हुआ होता हुआ दिख रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है और ये इनको प्रॉपर्टी दिलाएगा 41 में। यहाँ पर 41 या एक आध साल प्लस माइनस आप गिन कर चलो, क्योंकि उतनी एक्यूरेसी ऑफ शूट में नहीं आती। तो यहाँ पर आपका घर बनता हुआ, प्रॉपर्टी बनती हुई मुझे शो हो रही है। 41 के बाद एक 45 में नियर एंड डियरर की डेथ दिखाई दे रही है, अगर ये लाइन यहाँ से टच करके निकलती होगी तो। फिर उसके बाद वापस 48 में एक बहुत बड़ा ऑफ शूट है जो इनको कोई ना कोई प्रॉपर्टी दिलाएगा या कोई सफलता दिलाएगी। फिर 51 में भी एक ऑफ शूट है और यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है तो ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी बनेगी इनके जीवन में, और जीवन रेखा उत्तम तरीके से आगे बढ़ रही है, और ये ऑफ शूट भी इनको 13-14 साल यानी 51 और 14, 65 के आसपास कोई ना कोई बड़ी बेनिफिट इनको मिलेगी, और ये जो शेप बनता है ये व्यक्ति को यात्रा ज्यादा करवाता है, और ये लाइन व्यक्ति को हाजमे का प्रॉब्लम देती है। अब आपकी धन रेखा पर चलता हूं, आपका दर्द दिखाता हूं। ये देखिए यहां से लेकर ये लाइन में ये गल्फ गए, और यहां से लेकर यहां तक इनके जीवन में थ्रेड ही नहीं है, यानी ये एज होगी लगभग इस पीरियड तक 41 या 40 तक ये थ्रेड नहीं है। ये देखिए पूरी लाइन में कहीं पर भी यानी धागा ही नहीं है, और ऊपर से ये गल्फ में, इस तरह की धन रेखा अगर गल्फ में और ज़्यादा कम इनकम देती है, अगर ये इंडिया में होते तो इससे ज़्यादा कमाते थे, अगर ये नॉर्थ पोल की कंट्री में होते तो ज़्यादा कमाते थे। अब ये 40 के बाद या एक आध साल प्लस माइनस यहाँ से इनके जीवन में थ्रेड हो रहा है, यानी धन रेखा में एक थ्रेड क्रिएट हो रहा है, यानी धागा क्रिएट हो रहा है, यहाँ से इनके जीवन में पैसा आना चालू होगा, पर तुरंत के तुरंत नहीं, धीरे 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 इनकी गाड़ी रफ्तार पकड़ती जाएगी, और ये भी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कराएगी इनके जीवन में 46 के आसपास, और यहाँ पर इनको घाटा जाएगा, ये 47 या 48 के आसपास इनको जीवन में घाटा जाएगा, पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद और धन रेखा मजबूत बन रही है,
और अप टू एंड तक मजबूत ही चल रही है, तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। एक दो साल और पेन उठा लो, आने वाला समय हाँ पर एकदम धीरे धीरे चमत्कार होगा, तुरंत के तुरंत, क्योंकि ये जो लाइन है थ्रेड तो आ गया यहाँ से, पर यहाँ तक धीरे धीरे सुधर रही है, यानी एक साथ चमत्कार नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे, पर यहाँ पैसा भी बचेगा, आपके पास पैसा भी ज़्यादा आना चालू होगा, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, और ये 47-48 के बाद तो आपके जीवन में पैसा ही पैसा रहेगा। हाँ पर अरबों वाला नहीं है, पर बहुत अच्छा पैसा कमाओगे आप। ये देखिए यहाँ तक कोई थ्रेड ही नहीं है लाइन में, ये जब से गल्फ में गए तब से 10 साल हो गए, 37 में से 10 गए 27, एक दो साल प्लस माइनस भी गिन लो तो कोई थ्रेड ही नहीं था। हाँ शुरुआत में थोड़ा सा था, पर उसके बाद तो कोई थ्रेड ही नहीं था, और यहाँ से फिर थ्रेड मिलना चालू हो रहा है, और धीरे धीरे लाइन सुधरते सुधरते यहाँ पर वापस नानी याद आएगी आपको, इस पीरियड में 48 के आसपास अच्छा खासा लॉस जाएगा, पर कोई घबराने की जरूरत नहीं, उसके बाद तो और इनकम आपकी बढ़ेगी। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।